Hello everyone, in today's video we will read or discuss possessive pronouns. Possessive pronouns, ये pronouns. A possessive pronoun shows ownership. Ownership क्या होता है कि ये चीज किसकी है, उसका संबंध हमें उससे बताना है कि ये चीज किससे related है या किसकी है. Who का answer देता है किसकी है वो हम बताएंगे इसमें. ये होते हैं टू टाइप्स के पोजेसिव में, पोजेसिव एडजेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउंस. अब एडजेक्टिव्स और प्रोनाउंस में डिफरेंस क्या है, ये भी पोजेसिव, बट पीछे क्या होगा इस चीज को बेटे आप बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये पोजेसिव वर्ड ये प्रोनाउंस के साथ साथ एडजेक्टिव्स में भी आता है और ये आपको दोनों के लिए हेल्प करेगा. आपने एडजेक्टिव कैसे चूज करना है और प्रोनाउन कैसे यूज करना है, ये दोनों में ही आपकी हेल्प करेगा. कैसे देखिए, एग्जाम्पल्स देखिए. दिस इज माई कार, यहां पर हमने अंडरलाइन किया माई को. दिस कार इज योर्स. अब ये देखिए इसमें ये वाला है हमारा, ये हमारा है एडजेक्टिव और ये है दिस इज, दिस कार इज योर्स, ये हमारा है प्रोनाउन. अब कहेंगे कैसे, तो जो ये एडजेक्टिव होता है वो नाउन से पहले आता है और जो आपका प्रोनाउन होगा वो वर्ब के बाद आएगा. ये देखिए इज इसमें वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब आपकी है और यहां पे कार है नाउन. तो जब हम इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे कि प्रोनाउन है या एक्टिव है तो हम क्या देखेंगे, पहले हम वर्ब देखेंगे. इसमें इज कहां है, दैट इज, ये इज इसमें वर्ब है, वर्ब के बाद आया माई, माई हमारा एडजेक्टिव जाएगा क्योंकि वर्ब के बाद हमारा yours नहीं आया है, ठीक है. और नाउन से पहले हमारा जो भी आएगा ये इनमें वो एडजेक्टिव होगा और नाउन के बाद में जो हम यूज करते हैं वो हमारा होता है प्रोनाउन. अब नीचे वाले सेंटेंसेस में भी देखिए, दीज हाउसेज आर theirs. अब आर हमारी इसमें वर्ब है और हाउसेज इसमें हमारे हैं नाउन, तो वर्ब के बाद क्या आया theirs, तो ये हमारा है प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन. इसमें पोजेसिव वो एडजेक्टिव है जो हमने ऊपर किया, ये यहां पे पोजेसिव प्रोनाउन. अब ये सेंटेंस देखिए, दीज आर देयर हाउसेस, हाउसेस इसमें हमारे क्या हैं नाउन, ठीक है, और नाउन से पहले क्या आया theirs. और हमने कहा था, ऊपर भी बताया था कि जो नाउन से पहले आता है वो एडजेक्टिव होता है और जो नीचे हमने कहा था कि बाद में आता है जो, उसको हम कहते हैं प्रोनाउन. लाइक इसमें दोनों ही सेंटेंसेस ये सेम है, इसमें भी हमने दीज हाउसेज आर देयर्स, इस ये भी सेम सेंटेंस है और दीज आर देयर हाउसेज, दोनों की थोड़ा सा ही डिफरेंस है, इसको हमने ध्यान से देखना है. जो हमारे उस नाउन से पहले लगेगा वो हमारे एडजेक्टिव होगा और जो नाउन उसमें वर्ब के बाद हम लगाते हैं वो हमारा होगा प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन. यहाँ पे इसको पोजेसिव प्रोनाउन में हम इस काउंट करेंगे. अब दोनों ही सेम है, जबकि देखो ये नाउन है, नाउन से पहले जो आएगा वो हमारा होगा एडजेक्टिव. तो इस तरह से आप इसमें इस टॉपिक के थ्रू आपके दोनों ही चीज क्लियर हो रही है, एक तो पोजेसिव एडजेक्टिव आपका क्लियर हो रहा है और दूसरा पोजेसिव प्रोनाउन आपका हो रहा है. क्योंकि दोनों में हम कंफ्यूज रहते हैं कि हम किस टाइम पे हमें पता लगेगा कि ये पोजेसिव एडजेक्टिव है या पोजेसिव प्रोनाउन है. तो आपके पास अब एक है, नाउन से पहले जब आपके पास ये सब आर्स देयर्स ये सब लिखा होगा तो ये आपके हैं पोजेसिव एडजेक्टिव, और जब वर्ब के बाद आपके पास आर्स देयर्स उसमें देयर्स आ रहा है जैसे, तो योर्स आ रहा है, तो ये आपके होंगे पोजेसिव प्रोनाउन. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स.